स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज के इस वीडियो में राज्य व्यवस्था एवं संविधान के लिए तीसरा भाग लेके आ रहे हैं। आपको बता दें कि इसके और भी पार्ट ऑलरेडी अपलोड है, आपको उनका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए बिना देर किए ये वीडियो शुरू करते हैं। उससे पहले आप इस वीडियो को जरूर लाइक कर दें। ये वीडियो मेरे द्वारा लाई जा रही है, मैं हूँ विवेक चौहान। तो चलिए शुरू करते हैं ये वीडियो। वीडियो शुरू करने से पहले आपको वीडियो के बारे में बता दें, यहाँ पे 25 क्वेश्चन आएंगे। हर एक क्वेश्चन का उत्तर देने के लिए आपको 2 से 3 सेकंड मिलेगा। अगर आप अपना उत्तर देना चाहते हैं तो कमेंट करके ज़रूर दीजिए, और जो लोग इस वीडियो को बाद में देखेंगे यानी कि ऑफलाइन देखेंगे, वो भी अपना उत्तर कमेंट करके कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएँ। शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि 1905 में सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी को किसने शुरू किया? तो ये शुरू किया गया था गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा। देखिए ये जो प्रश्न है सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी, यहाँ से कुल मिला के 4 से 5 प्रश्न पूछे जाते हैं। सबसे पहला प्रश्न ये कि सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी को किसने शुरू किया, पहला प्रश्न तो यही होता है, तो गोपाल कृष्ण गोखले ने। दूसरा प्रश्न ये होता है कब शुरू किया गया, तो ये होता है 1905 में। तीसरा प्रश्न में ये पूछा जाता है कि उस समय की कोई घटना बताइए जब सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की आरंभ मतलब स्थापना हुई थी, तो इस समय हुआ था बंगाल विभाजन। बंगाल विभाजन, क्योंकि बंगाल विभाजन एक बड़ी घटना थी और ये हुई थी 1905 में। अब जब बंगाल विभाजन का नाम आ जाता है तो ये भी पूछा जाएगा कि ये किसके द्वारा किया गया था, ये किया गया था लॉर्ड कर्जन के द्वारा। देखिए इतना सब आपको याद रखना होगा, मतलब इसका विभाजन, बंगाल का विभाजन कब हुआ, किसने किया, और सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी कब बनाई गई, किसके द्वारा बनाई गई। अगला क्वेश्चन है कि किसी राज्य के राज्यपाल को निम्नलिखित में से किसकी शक्ति नहीं है? आप देखते हैं कि जहां पर भी एक पूर्ण राज्य है वहां पर राज्यपाल है, लेकिन उनको इनमें से कौन सी शक्ति नहीं है? तो चारों ऑप्शनों को देखेंगे। पहला है विधानसभा को भंग करने की, तो विधानसभा को भंग करने की शक्ति राज्यपाल को होती है, क्योंकि अगर मुख्यमंत्री लिखित में देता है तो राज्यपाल विधानसभा को भंग कर सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन में तो पूछा गया है कि नहीं है। तो दूसरा देखेंगे तो विधानसभा स्थगित करने की, तो विधानसभा को स्थगित करने की शक्ति राज्यपाल में नहीं होती है, तो आखिर ये किस में होती है, तो ये होती है विधानसभा के अध्यक्ष में, विधानसभा के अध्यक्ष में ये पावर होता है। तीसरा देखेंगे विधानसभा बुलाने की, तो ये शक्ति होती है राज्यपाल के पास। विधानसभा का सत्र अवसान करने की, तो ये भी शक्ति होती है। यानी कि इन चारों ऑप्शनों में से अगर आप देखें, पहला तीसरा और चौथा को राज्यपाल कर सकते हैं, लेकिन जो दूसरा है उसको राज्यपाल नहीं कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है कि दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? बेहद आसान क्वेश्चन है और हमें नहीं लगता कि हमें इसका उत्तर बताने की ज़रूरत है। आप सभी लोग इसका उत्तर जरूर बता पाएंगे, लेकिन चलिए उत्तर बता देते हैं। ये है सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस ने कहा था दिल्ली चलो। आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले जैसे गांधी जी के कुछ नारे हैं जिनको बार बार पूछा जाता है, जैसे करो या मरो, करो या मरो, ये किसने कहा था? तो ये कहा गया था महात्मा गांधी के द्वारा। कब कहा गया था? तो 1942 में। 1942 में क्या हो रहा था? तो यहाँ पे हो रहा था एक आंदोलन जिसका नाम था भारत छोड़ो आंदोलन। तो इसी समय गांधी जी ने कहा करो या फिर मरो। अगला क्वेश्चन है कि 15वीं लोकसभा के अध्यक्ष कौन है? तो देखिए यहाँ पे आपको जानना होगा कि इस समय कौनवी लोकसभा चल रही है, बात की गई है इस क्वेश्चन में 15वें की। तो 15वें के थे मीरा कुमार। यहाँ पे देखिए इस समय कौवा चल रहा है, ये भी आपको जानना होगा। तो इस समय 17वीं लोकसभा है, और 17वीं लोकसभा के अध्यक्ष कौन है? ओम बिरला। 16वीं लोकसभा के अध्यक्ष कौन थे? तो ये थी सुमित्रा महाजन। सुमित्रा महाजन जो कि मध्य प्रदेश से थी, लेकिन जो ओम बिरला है ये राजस्थान से है। तो कहने का मतलब ये है कि आप जब भी मतलब एग्जाम देने जा रहे हैं, जिस साल भी, उस समय आपको पता होना चाहिए कि कौन लोकसभा है कमी नंबर की, और इस समय लोकसभा का अध्यक्ष कौन है। लोकसभा अध्यक्ष से भी कई क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे कि इनका चुनाव कैसे होता है, तो आप जान लीजिए जो भी सदस्य चुन करके जाते हैं वही लोग इनमें से एक अध्यक्ष का चुनाव करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि किस कांड के बाद असहयोग आंदोलन को बंद करना पड़ गया था?
मतलब कि इनमें से कौन है जिसके बाद से असहयोग आंदोलन को बंद करना पड़ गया था? तो ये हुआ था चौरी चौरा कांड। देखिए असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ ये पूछा जाता है, तो असहयोग आंदोलन शुरू किया गया था 1920 में। 1920 में बंद कब कर दिया गया? 1922 में। असहयोग आंदोलन में क्या था कि गांधी जी ने कहा था कि मतलब सहयोग नहीं करना है, तो वहाँ पे जब ये आंदोलन चल रहा था तो 1922 में गोरखपुर में एक जगह है, नाम है चौरी चौरा। वहाँ पे हुआ क्या था कि कुछ प्रदर्शनकारियों ने, मतलब जो स्वतंत्रता संग्रामी थे, उन्होंने एक पुलिस चौकी को घेर लिया और उस चौकी को चारों तरफ से बंद करके उसमें आग लगा दी गई। उसमें कुल मिला के लगभग 22 पुलिस वाले जिंदे जल गए। जब ये पुलिस के लोग मर गए तो गांधी जी इससे बहुत आहत हुए, और आहत होने का कारण ये था कि जो ये 22 लोग थे सभी इंडियन थे, भले ये अंग्रेज के लिए काम कर रहे थे। इससे गांधी जी ने आहत होकर के इस आंदोलन को बंद कर दिया। तो ये था असहयोग आंदोलन, डेट याद रखिए 1922 और 1920, लगभग 2 साल चला भी। अगला है कि निम्नलिखित में से किस समिति का पदेन अध्यक्ष लोकसभा का अध्यक्ष होता है? जो लोकसभा का अध्यक्ष होता है इसमें से किसका पदेन अध्यक्ष होता है? तो ये होता है नियम समिति का। देखिए इसी तरह एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि राज्यसभा का जो अध्यक्ष होता है ये कौन होता है? तो राज्यसभा का अध्यक्ष होता है हमेशा वाइस प्रेसिडेंट, उपराष्ट्रपति, और जो उपराष्ट्रपति होगा वो पदेन सभापति होगा राज्यसभा का। राज्यसभा का कार्यकाल कितने टाइम का होता है कमेंट करके बताइए कमेंट बॉक्स में। जो भी लोग ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन जो भी लोग हैं अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे, लाइव चैट बॉक्स में नहीं। अगला है कि राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? राज्य लोक सेवा आयोग, जैसे अगर आप उत्तर प्रदेश से हैं तो UPPSC, इस तरह जो राज्य के लोक सेवा आयोग हैं उनके सदस्यों की बात की गई है, अध्यक्ष की बात नहीं की गई है। तो इनकी नियुक्ति की जाती है राज्यपाल के द्वारा। कई जगह आप देखेंगे कि मतलब दो राज्यों को मिला करके एक सेवा आयोग बनाया गया है, तो इस तरह की वहाँ के सदस्यों की नियुक्ति कौन करेगा? तो पूरी तरह उनको राष्ट्रपति करेंगे, लेकिन जहाँ पे सिंगल राज्य के लिए सिंगल लोक सेवा आयोग है वहाँ पे राज्यपाल इसकी नियुक्ति कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, तो ये थी एनी बेसेंट। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से कई क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सबसे पहला, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1885 में। दूसरा, किसने किया था? AO ह्यूम ने। तीसरा, ये कहाँ का था? तो ये था यूरोपी। उसके बाद से ये जो आज कांग्रेस आप देख रहे हैं ये वही कांग्रेस है जिसकी स्थापना उस समय हुई थी। और यहाँ पे एक क्वेश्चन है कि पहली महिला अध्यक्ष, तो ये थी एनी बेसेंट। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान में समवर्ती सूची में रखा गया है? देखिए समवर्ती सूची क्या है ये पहले समझ लीजिए, लेकिन उससे पहले जान लीजिए कि सही उत्तर है जनसंख्या नियोजन एवं परिवार नियोजन। सबसे पहले जानिए समवर्ती सूची क्या है। जब संविधान बनाया गया तो तीन तरह की सूची बनाई गई, पहला राज्य के लिए, दूसरा केंद्र के लिए, और एक तीसरी दोनों के बीच की बनाई गई, नाम था समवर्ती सूची। राज्य के लिए वो बनाए गए जिसका मतलब कि अगर इसी में से किसी भी मुद्दे पे कानून बनाना होगा तो डायरेक्ट राज्य उस पे कानून बनाएगा, केंद्र वाले में केंद्र कानून बनाएगा, और समवर्ती वाले में दोनों को पावर दिया गया, राज्य को भी केंद्र को भी। जैसे कि इस समय अगर आप देखेंगे तो जनसंख्या नियोजन पे या फिर परिवार नियोजन पे कोई भी कानून नहीं है, तो वहाँ पे कोई भी स्टेट चाहेगा तो ये अपना एक कानून बना सकता है। तो जो स्टेट वो कानून बनाएगा वो उस स्टेट में लागू हो जाएगा। उदाहरण के लिए अगर आप बता दें कि अगर ये मान लीजिए बिहार है और ये जनसंख्या को लेकर कोई कानून बनाता है तो बिहार में तो वो कानून लागू रहेगा, लेकिन बिहार के अलावा जो अदर स्टेट है, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, यहाँ पे वो कानून नहीं लागू होगा। लेकिन अगर उसी मुद्दे पे, मतलब परिवार नियोजन पे ही केंद्र सरकार बाद में कोई कानून लाती है तो ये पूरे देश में लागू होगा, और जो बिहार है इसमें भी लगेगा, और बिहार का जो अपना वाला रूल था ये खत्म हो जाएगा। तो ये है समवर्ती सूची। अगला क्वेश्चन है कि पुदुचेरी को भारतीय संघ में कब सम्मिलित किया गया? तो अगर आप इन ऑप्शनों पे गौर करें तो सही उत्तर होगा 1947
56। देखिए जब भारत 1950 में पूरी तरह आजाद हुआ, मतलब कि अपना संविधान भी लागू कर दिया गया, उसके बाद भी गोवा, पुदुचेरी इस तरह के कुछ स्टेट थे जो कि भारत में शामिल नहीं थे, तो पुदुचेरी को 1956 में शामिल किया गया। अगला क्वेश्चन है कि केंद्र और राज्य के प्रशासनिक संबंध भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में दिए गए हैं। प्रशासनिक संबंध पूछा गया है, प्रशासनिक संबंध कैसा हो, तो ये होता है 256 से लेके 263 के बीच में। ये आर्टिकल है और ये कई बार क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। अगला है कि भारत में वित्त आयोग के सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है। वित्त आयोग, तो इसके सदस्य की नियुक्ति होती है राष्ट्रपति के द्वारा। वित्त आयोग का गठन होता है आर्टिकल 280 के तहत, इसका कार्यकाल होता है 5 साल का। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय राजनीतिक व्यवस्था की विशेषता क्या है। यहाँ पे आपके ऑप्शन है, अगर आपको पता है तो अपना उत्तर कमेंट करके बता सकते हैं। सही उत्तर है जाति, धर्म और राष्ट्रीय हित। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से उच्चतम न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश कौन थी। उच्चतम न्यायालय मतलब कि सुप्रीम कोर्ट। सही उत्तर है इसमें से अगर आप देखेंगे फातिमा बीबी, लेकिन अगर यहीं पर हाईकोर्ट पूछ दिया होता तब क्या सही उत्तर होता, क्या आप बता पाएंगे कमेंट करके। तो ये है लीला सेठ और ये बनी थी हिमाचल प्रदेश से। अगला क्वेश्चन है कि गोवा को भारतीय गणराज्य का हिस्सा कब बनाया गया। सीधा सीधा ये समझिए कि गोवा भारत में कब मिलाया गया। ये था सन, कमेंट करके बताइए, 1961। देखिए हुआ क्या था कि 1498 में पहला पुर्तगाली व्यक्ति भारत आया था, तब से लेकर के 1961 तक ये लगभग पुर्तगालियों के कब्जे में ही रहा। तो यहाँ पे भारत के आज़ाद होने के 11 साल बाद भी पुर्तगाली यहाँ पे थे, इनको हटाया गया बाद में 1961 में, और तभी भारत को गणतंत्र मतलब गोवा को भारत का एक हिस्सा बनाया गया, हालांकि इसको राज्य का दर्जा बहुत बाद में मिला। अगला क्वेश्चन है कि जो विदेश को भेजे जाने वाले विभिन्न प्रतिनिधिमंडल होते हैं, इनमें व्यक्तियों का नामांकन कौन करता है। यहाँ पे आपके ऑप्शन है, सही उत्तर है लोकसभा अध्यक्ष। चलिए कमेंट करके बताइए इस समय लोकसभा अध्यक्ष कौन है, और आपको इसी समय का नहीं बताना है, जब भी आप ये वीडियो देख रहे हैं, जिस साल भी आप ये वीडियो देख रहे हैं, उस समय लोकसभा का अध्यक्ष कौन है, उनका नाम हमें कमेंट करके जरूर बताइए। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन भारत का लगातार 2 बार राष्ट्रपति बना, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया 2 बार लगातार। तो ये थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, कहाँ से थे ये भी पूछा जाता है, तो ये थे बिहार से। देखिए हमारे यहाँ जो राष्ट्रपति है ये पद 5 साल के लिए है, देखा जाए तो 5 साल के लिए है, हालांकि उससे पहले इन पे महाभियोग लगाया जा सकता है। तो ये जो 5 साल वाली प्रक्रिया है, लेकिन इसमें कहीं नहीं लिखा गया है कि कितने बार, चाहे जितने बार भी एक व्यक्ति को नियुक्त किया जा सकता है, मिनिमम उम्र सीमा होनी चाहिए 35 साल। लेकिन जो अमेरिका है, अगर बात कर लें अमेरिका की, तो वहाँ पे एक व्यक्ति को 4 साल के लिए नियुक्त किया जाता है, 4 साल के साथ केवल वो 2 बार नियुक्त होगा, केवल 2 बार। तो ये डिफरेंस है भारत और अमेरिका के कानून में। अगला क्वेश्चन है, किसी अधिनियम संविधान का सबसे पहला उदाहरण कौन है, मतलब अधिनियमित। अधिनियमित मतलब कि आप देखेंगे कि जो हमारे यहाँ जैसे मौलिक कर्तव्य लिया गया है, मौलिक अधिकार लिया गया है, तो ये है अमेरिकी संविधान। अब अमेरिका संविधान से कई क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हमने मौलिक अधिकार कहाँ से लिया है, तो ये हमने लिया है अमेरिका से। मौलिक कर्तव्य हमने कहाँ से लिया है, क्या आप कमेंट करके बताएंगे। USSR मतलब कि रसिया। अगला क्वेश्चन कि राष्ट्रपति देश में आपात स्थिति की घोषणा निम्नलिखित में से किसके लिखित परामर्श प्राप्त करने के बाद ही कर सकते हैं, मतलब कि देश में अगर आपात लगाना है तो राष्ट्रपति को परमिशन लेनी पड़ेगी, लिखित किसके द्वारा। तो सही उत्तर है संघीय मंत्रिमंडल, मतलब कि सेंट्रल गवर्नमेंट की जो कैबिनेट होती है उसके द्वारा अगर आपको परमिशन नहीं मिलती है तब तक आप आपात स्थिति की घोषणा नहीं कर सकते हैं। अगला है कि लोकप्रिय प्रभुसत्ता का समर्थन किसने किया था। क्वेश्चन अगर देखा जाए तो पूरा विश्व इतिहास से है, और अगर आपको पता है तो कमेंट करके बताइए। सही उत्तर है टी एच ग्रीन ने। अगला क्वेश्चन है कि संविधान सभा के सम्मुख
किसने संविधान की प्रस्तावना को प्रस्तुत किया था। प्रस्तावना से भी 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ये किया था पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। पूछा जाता है कि प्रस्तावना मतलब क्या समझते हैं, तो प्रस्तावना में ही लिखा गया है वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग, भारत को एक इस तरह जो भी है ये प्रस्तावना है। इसमें एक बार संशोधन हुआ है, ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि प्रस्तावना में अभी तक कितने बार संशोधन किया गया है, तो केवल एक बार। अगला है कि निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में स्थानीय निकायों पर राज्य सरकार का कोई नियंत्रण नहीं होता है। इनमें से कौन सा ऐसा एरिया है जहां राज्य सरकार का कोई नियंत्रण नहीं होता है, तो अगर आप देखेंगे तो इनमें से सही उत्तर है नियम निर्धारण। अगला क्वेश्चन कि मौलिक अधिकारों पर निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं, तो ये लगाया जा सकता है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। देखिए मौलिक अधिकार की संख्या कितनी है, ये भी कई बार पूछा गया है, तो पहले 7 थी लेकिन अब 6 कर दिया गया। तो बस आप ये जानिए कि मौलिक अधिकार की संख्या है 6, हमने लिया है अमेरिका से, और इस पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। मान लीजिए अगर कोई सरकार आप पर प्रतिबंध लगा दे तब इसके लिए आप जाएंगे सुप्रीम कोर्ट या फिर हाई कोर्ट। अगला क्वेश्चन कि जो स्थानीय एमपी और एमएलए होते हैं, निम्नलिखित में से किसके पदेन सदस्य होते हैं, एमपी और एमएलए। देखिए यहाँ से हम एक इंटरेस्टिंग सवाल पूछने वाले हैं आपसे, तो पहले इस क्वेश्चन को देख लें, तो ये होते हैं पंचायत समिति के, ये पदेन सदस्य होते हैं, मतलब कि एक्स ऑफिसियो। तो बस आज के इस वीडियो में इतना ही, लेकिन एक क्वेश्चन जो आप हमें कमेंट करके बताएंगे बिल्कुल अपनी भाषा में, एमपी कहाँ बैठते हैं, जो यहाँ पे एमपी शब्द है, और एमएलए कहाँ बैठते हैं, मतलब आपको बताना है कि ये लोग बैठते कहाँ हैं, कौन विधानसभा में बैठता है, कौन लोकसभा में बैठता है, या फिर कौन राज्यसभा में बैठता है, जो भी आपको समझ में आता है कमेंट करके बताइए अपनी भाषा में। तो बस आज के इस वीडियो में इतना ही, इस वीडियो को लाइक करने के साथ अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें। इसी तरह की वीडियो पाने के लिए इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू। तो ये है sarkariexam.me, आपको इस वेबसाइट का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। इस वीडियो का पीडीएफ आपको इसी वेबसाइट पे मिलता है। अगर आप इसे अपने लैपटॉप में ओपन करेंगे तो आपको कुछ इस तरह का व्यू दिखेगा, और अगर आप इसे अपने मोबाइल में ओपन करते हैं तो आपको कुछ इस तरह का व्यू दिखता है। इसमें सबसे फायदे वाली बात यह है कि सबसे पहले आपको लेटेस्ट जॉब का सेक्शन मिलेगा, लेकिन उसके नीचे जाने पर आपको जीके टेस्ट का सेक्शन मिलता है। यहाँ पे ढेर सारे जीके के टेस्ट ऑलरेडी अपलोड कर दिए गए हैं, वहाँ पे जाके आप एक दिवसीय प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए आप जीके का टेस्ट दे सकते हैं। इसमें पॉलिटी जीके, कंप्यूटर जीके, इंडिया जीके और इस तरह के स्टेट वाइज जीके भी अपलोड किए गए हैं। इसके साथ ही जो वीडियो यूट्यूब चैनल पे अपलोड की जाती है उसका पीडीएफ आप यहाँ पे स्टडी मटेरियल वाले सेक्शन में आके डाउनलोड कर पाएंगे। अगर आप किसी भी मटेरियल को या फिर किसी भी पेज को अपने दोस्तों में शेयर करना चाहते हैं तो आपको शेयर करने का लिंक सीधे उसी पेज पर नीचे मिल जाएगा। इसे आप व्हाट्सएप, ट्विटर, फेसबुक या फिर टेलीग्राम पे बड़े ही आसानी से भेज पाएंगे। ज्यादा जानकारी के लिए इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करें।